हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मॉमिस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, इस तरीके के आम प्रॉब्लम जब हो जाती है तो बच्चे को किस तरीके का खाना आप दे सकते हैं जिससे कि बच्चे की स्पीडी रिकवरी हो और इस सर्दी, खांसी, जुकाम जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0 to 6 months, जो सबसे छोटे बेबीज होते हैं जिन्होंने ठोस आहार शुरू अभी नहीं किया उनकी। तो 0 to 6 months के बच्चे को जब भी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह हो जाए तो जो बेस्ट चीज आपको अपने बच्चे को देनी है वो होता है ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नेचुरली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। उसमें होती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया, वायरसेस को फाइट करने में हेल्प करता है, बच्चे को इम्यूनिटी की लेयर प्रोवाइड करता है। इसलिए बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाने पर आपको नॉर्मली आप जितना फीड कराते हैं एक दिन में, उससे भी ज्यादा दफा आपको बार बार मतलब ऑफर करना है ब्रेस्ट मिल्क। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी रिकवर भी हो पाएगा और इसके अलावा बच्चे जो है फंसी, जो चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चे को, उससे काम डाउन करने में, उसे सूद करने में भी हेल्प मिलेगी। जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो मेक श्योर कि उसे थोड़ा रिक्लाइनिंग पोजिशन पर होल्ड करें, मतलब कि बच्चे को आप इस तरीके से आपको होल्ड करना है कि सर इधर है तो ये नीचे में आप तकिया रख लें, ताकि बच्चा थोड़ा सा उठा हुआ, उसकी पूरी बॉडी जो है थोड़ी सी लिफ्टेड हो, मतलब सिर्फ सर नहीं उठा हुआ हो, उसका पूरा बैक भी जो है वो थोड़ा सा लिफ्टेड पोजीशन में हो, ताकि रिक्लाइनिंग पोजीशन में जब वो फीड लेगा तो उसके चेस्ट पर दबाव कम पड़ेगा और वो इजिली फीड ले पाएगा। बहुत से बच्चे जो है आप अगर उन्हें लिटाकर, सीधा स्ट्रेट लिटाकर पिलाएंगे तो वो नहीं पी पाते हैं, उनकी नाक बंद होती है, उनके चेस्ट में कंजेशन होता है, इस वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं, ब्रेस्ट मिल्क पी ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए रिक्लाइनिंग पोजीशन पर ही उन्हें फीड कराएं, या करवट दिलाकर भी हल्का सा रिक्लाइनिंग करके उन्हें फीड करा सकते हैं। एंड अगर नाक बार बार बंद हो रही है, उस वजह से बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, जो कि छोटे बेबीज के केस में बहुत कॉमन है, तो ऐसे में आपको नेजल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं वो अपने बच्चे को देनी है। डॉक्टर की सलाह आप ले लें कि कौन सी नेजल ड्रॉप अपने बच्चे को आपको देनी है, इससे बच्चे की नाक खुल जाएगी और फिर वो आराम उसको मिलेगा और वो दूध सकल कर पाएगा। तो ब्रेस्ट मिल्क अगर आप किसी वजह से नहीं दे पाते, सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही लेता है बच्चा, तो फॉर्मूला मिल्क ही आप अपने बच्चे को देना है। अगर आप मिक्स फीड कराते हैं, फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क दोनों देते हैं, तो इस वक्त जब बच्चा किसी भी तरीके की बीमारी बच्चे को हो रही है, चाहे वो कफ एंड कोल्ड हो, फीवर हो, या कुछ लूज मोशन वगैरह हो रहे हो, ऐसे में अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट मिल्क ऑफर करना है। उस वक्त फॉर्मूला कुछ वक्त के लिए आप बंद कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इजी टू ऑन स्टमक होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रिहाइड्रेटेड बच्चे को रखता है, बच्चा जल्द से जल्द ठीक होने में हेल्प मिलता है। किसी भी तरीके की होम रेमेडी 6 महीने से छोटे बच्चे पर ट्राई ना करें, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर आपको होम रेमेडी ट्राई करनी ही है तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद ही करें। बच्चा 6 महीने के ऊपर का हो गया है तो आप उसे राइस वाटर दे सकते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि राइस जो है वो सर्दी जुकाम में या स्पेशली बुखार में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक मिथ है। चावल जो है वो कब नुकसान करता है बच्चे को, जब आप पहले से पका हुआ राइस आपने फ्रिज से निकाला है तब आपने उसे दिया है, तो वो चावल जो है वो नुकसान करता है बच्चे को, वो चावल नहीं देना है। फ्रेशली कुक्ड राइस ही देना है, जब फ्रेश ताज़ा ताज़ा बना हुआ चावल आप अपने बच्चे को दें, हल्का वार्म दें, तो वो कभी भी नुकसान नहीं करता, इनफैक्ट फ़ायदा पहुंचाता है और बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो आप राइस ग्रुएल यानी कि कंजी, जो चावल का पानी होता है, माड़ होता है, वो आपको अपने बच्चे को देना है, या ओवर कुक्ड राइस आप कर लें, चावल को बहुत देर तक अच्छे से पका लें, गला गला सा चावल हो जाए, उसकी प्योरी बना के दे सकते हैं, या 8 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसे मसल कर दे सकते हैं। चावल के अलावा आप दाल की प्योरी, मूंग दाल की प्योरी जो है वो दे सकते हैं, अगर बच्चे को लूज मोशन वगैरह नहीं हो रहा और 8 महीने से बड़ा बच्चा है तो आप उसे मसूर दाल की प्योरी, अगर आपने ऑलरेडी मसूर दाल इंट्रोड्यूस कर दिया तो मसूर दाल बहुत हाई इन प्रोटीन होता है, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 8 से 10 महीने के बच्चे को। इसके अलावा जो भी सीजनल वेजिटेबल हैं उसकी प्योरी कुक करके आप उन्हें बनाकर दें, जो जो बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी बच्चे को। तो वेजिटेबल प्योरी पे ब्रोकली की प्योरी, पीस की प्योरी, कैरेट की प्योरी, या कोई भी सीजनल वेजिटेबल की प्योरी, आलू की प्योरी, ये सब अपने बच्चे को दे सकते हैं। वेजिटेबल प्योरीज के अलावा क्लियर वेजिटेबल सूप या क्लियर चिकन सूप आप अपने बच्चे को दे सकते हो, बहुत न्यूट्रिशियस होता है और बच्चे को बहुत सारी एनर्जी देगा, हाइड्रेटेड रखेगा। एंड जब भी आप कोई वार्म फूड देंगे, स्पेशली लिक्विडी कंसिस्टेंसी में, तो वो बच्चे के जो कंजेशन है, चेस्ट का कंजेशन, नेजल कंजेशन, उसे लूजन अप करता है, म्यूकस को लूजन अप करता है और बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है उससे, जल्दी वो क्योर होने में हेल्प करता है, उसकी रिकवरी जल्दी होती है।
एक साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसका फेवरेट खाना, घर का पका हुआ खाना उसे कोई सा भी दे सकते हैं, वार्म फूड आप दें और स्पेशली इजी टू डाइजेस्ट अगर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा, न्यूट्रिशियस फूड दें। इसके अलावा एक साल से बड़े बच्चे को आप पतली खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं। मूंग दाल और चावल की खिचड़ी जो है वो बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होती है और बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन उसमें मौजूद होते हैं। आप चाहे तो उसमें कैरेट वगैरह डाल सकते हैं या थोड़ी सी बीन्स डाल सकते हैं, उसके साथ आप खिचड़ी वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं। देसी घी थोड़ा सा डाल लें, होममेड देसी घी का ही इस्तेमाल करें। जब देसी घी यूज करें, देसी घी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है होममेड देसी घी की और जो कफ एंड कोल्ड में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा आप बच्चे को ओवर कुक राइस के साथ आप चिकन स्ट्यू दे सकते हैं। हल्के मसालों में पका हुआ चिकन स्ट्यू जो है वो आप दे बच्चे को, बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होता है और बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जल्दी से जल्द रिकवर करने में हेल्प करता है। और आप स्पाइसेस जो इस्तेमाल करें जैसे कि अजवाइन, जीरा, लहसुन, प्याज, ये आप इस्तेमाल कर सकते, इन सभी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ब्लैक पेपर भी बहुत एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी बेनिफिशियल होता है। सूप्स वगैरह आप दे रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल सूप दे सकते हैं या चिकन सूप दे सकते हैं अपने बच्चे को, उसमें भी ब्लैक पेपर वगैरह थोड़ा सा पाउडर बिल्कुल हल्का सा एक चुटकी डालकर दे सकते हैं तो बच्चे को कोल्ड एंड कफ में बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा कुछ और होम रेमेडीज आप दे सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, जैसे कि बेसन का शीरा जो कि बहुत पॉपुलर होम रेमेडी है इन पंजाबी फैमिलीज, और मैं भी नायक बहुत देती, जब भी उसे हल्का सा भी कोल्ड एंड कफ हो जाता तो मैं उसे देती हूँ। 3 consecutive days तक देती हूँ, मतलब 3 दिन लगातार रात में सोने से पहले मैं इसे देती हूँ। बेसन का शीरा मतलब एक तरीके का पतला हलवा होता है बेसन का, वो अच्छे से देसी घी में भून कर आप बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा एक चुटकी ब्लैक पेपर भी डाल लें तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मतलब मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मतलब मिरेकल जैसा काम करता है बच्चे के सर्दी जुकाम को ठीक करने, इवन बड़ों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है जो आप चेक कर सकते हैं, और भी रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं इस वक्त कोल्ड कफ वगैरह में, जैसे कि काढ़ा आप बनाकर दे सकते हैं, तुलसी, अजवाइन, जिंजर का काढ़ा, इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है चैनल पे, और ऑनियन का होममेड सिरप आप बना सकते हैं बहुत आसानी से सिर्फ 2 ingredient के साथ, और ये भी बहुत हेल्पफुल होता है हल्के सर्दी जुकाम जो बच्चे को होता है शुरुआती उसको कंट्रोल करने में। तो ये जो सारी होम रेमेडीज जो रेसिपीज हैं वो आपको मैं एक प्लेलिस्ट है वो दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट पर आप चेक कर सकते हैं, ये सारी होम रेमेडीज की रेसिपीज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और होम रेमेडीज पर मैंने वीडियोस किए थे जिसमें कि मैंने अजवाइन पोटली के बारे में भी बताया था, अजवाइन, लहसुन और तेजपत्ता को रोस्ट करके उसकी पोटली बना सकते हैं आप रुमाल में बांध के, और आप बच्चा बहुत छोटा है तो उसको स्मेल करा सकते हैं, स्पेशली बच्चे की नाक वगैरह बंद हो रही है, छोटे बेबी को भी आप स्मेल करा सकते हैं, उनको बहुत रिलीफ मिलता है। जो बच्चा सो रहा है उसके पास में भी बगल में आप रख सकते हैं, उसमें भी उनको आराम मिलता है, उससे आप हल्का उसको चेक करें हल्का वार्म रहे तब आप बच्चे के चेस्ट एंड बैक पे आप सिकाई भी कर सकते हैं। इसको बनाने और यूज करने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में होम रेमेडीज फॉर कोल्ड एंड कफ की वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चे को आप होम रेमेडी में जो ट्रेडिशनल एक सबसे पॉपुलर होम रेमेडी होती है कि सरसों का तेल को इन्फ्यूज करके हर्ब्स के साथ, मतलब कि सरसों के तेल में लहसुन की कलियां, थोड़ा सा एक चुटकी अजवाइन, हींग भी डाल सकते हैं, उसको पका कर अच्छी तरीके से उसके बाद आपको स्ट्रेन कर लेना, और उससे जब थोड़ा सा ठंडा कर लें हल्का वार्म रहे तब आपको बच्चे के चेस्ट पर, बच्चे के बैक पे, बच्चे के पैर के तलवे पर, और अगर बच्चा माउथिंग नहीं कर रहा मतलब बच्चा बार बार हाथ मुंह में नहीं लेता तो हाथ की हथेली पे भी आपको लगाना है और बच्चे को सुला दे, उसके बाद सो जाए बच्चा, अच्छे से कवर कर ले बच्चे को, और उसके उससे बहुत आराम मिलता है कोल्ड एंड कफ जब बच्चे को हो रहा है तो उसमें, स्पेशली कंजेशन है, जकड़न है, जकड़ा हुआ कफ है तो उसमें बहुत उसको लूजन अप करने में हेल्प मिलता है। लेकिन फीवर अगर बच्चे को आ रहा है तब आप, मैं सजेस्ट करूंगी ये रेमेडी अवॉइड करें, क्योंकि फीवर में मालिश वगैरह करना या तेल लगाना उससे और भी ज़्यादा फीवर आ सकता है। मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ, बाकी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं इस बारे में कि फीवर के टाइम में तेल लगाना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अपने बच्चे को आपको ध्यान रखनी है कि रेस्ट बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, जितना बच्चा सोएगा उतनी जल्दी रिकवर होगा कोल्ड कफ फीवर में। तो आराम, बहुत से बच्चे सो नहीं पाते हैं स्पेशली उनको सर्दी जुकाम होता है तो चेस्ट में कंजेशन की वजह से भी जब वो सोते हैं तब और ज़्यादा खांसी आने लगती है या सर्दी फील होने लगती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है उनका बेड थोड़ा सा रिक्लाइनिंग पोजिशन पर करना है, जैसे कि हॉस्पिटल का बेड होता है वो थोड़ा ऊँचा हो जाता है, आपको उसका बेड भी उसी तरीके से कुछ गद्दे वगैरह लगा के या तकियों की मदद से या कुछ ब्लैंकेट वगैरह से जैसे भी करके आपको हल्का सा रिक्लाइनिंग करना है। तो रिक्लाइनिंग का ये मतलब नहीं कि आपको बस तकिया लगा देना उसका सर ही ऊपर हो, नहीं ऐसा नहीं करना, उसका चेस्ट भी ऊपर होना चाहिए, उसकी अपर बॉडी जो है वो पूरी की पूरी हल्की सी रिक्लाइनिंग पोजीशन में होनी चाहिए। इवन छोटे बेबी को आप फीड करा रहे हैं तो वो भी आप उसको रिक्लाइनिंग पोजीशन में ही फीड कराएं, मतलब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इसमें बच्चे को सोने में बहुत आराम
आराम मिलता है, इवन फीड लेने में जो छोटे बेबीज होते हैं उनको फीड लेने में बहुत आराम मिलता है क्योंकि चेस्ट पर दबाव कम पड़ता है। ऑलरेडी लंग्स में कंजेशन होता है म्यूकस की वजह से, जो जमा हुआ कफ होता है उसकी वजह से, ऊपर से जब हम लेटते हैं तो और दबाव पड़ जाता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसमें रिलीफ मिलता है जब आप रिक्लाइनिंग बेड बना देते हैं। उसके अलावा बच्चे जब सो जाए उनको करवट दिला के सुलाएं तो उसमें भी उनको बहुत आराम मिलता है। एंड अजवाइन की पोटली वगैरह उनके पास में रख सकते हैं आप। मेक श्योर कि आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन इस वक्त ना करें, अपने मन से कोई भी दवा बच्चे को नहीं देनी चाहिए। बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम होना नॉर्मल है और एक से दो दिन में आपका बच्चा अपने आप ठीक हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें, पैनिक ना करें। थोड़ा नेचुरल होम रेमेडीज से और रेस्ट के साथ और प्यार के साथ अपने बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना देकर आप उनकी प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको तभी लगता है कि बच्चा नहीं ठीक हो रहा, उसको जल्दी से मुझे मेडिसिन देनी चाहिए, तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन दें। और आपको कुछ वार्निंग साइंस भी ध्यान रखने की, बच्चे को अगर सर्दी जुकाम बुखार के साथ जो है उल्टियाँ वगैरह हो रही है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, तो अपने बच्चे को आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। बुखार जो है वो कम हो ही नहीं रहा है, एक दिन के बाद दूसरा दिन हो गया तब भी बुखार आए जा रहा है, तो वो साइन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है या कोई अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम का साइन हो सकता है, तब आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन का कोई साइन आपको लग रहा है, जैसे बच्चा बेसुध हो गया है, बहुत ज्यादा डल हो गया है, बहुत देर तक यूरिन पास नहीं कर रहा है, तब आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को सभी जो पेरेंट्स हैं स्पेशली छोटे बच्चों के उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिले। तो पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और बच्चों की रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल मॉमिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।